हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे BS2, BS3, BS4 और BS6 इनके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों आया और इनके पंप नोजल के अंदर क्या क्या अंतर है, इनके बेसिक के बारे में देखेंगे। जब से हम BS1, 2, 3, 4 और 6 में कन्वर्ट हुई है गाड़ियाँ, तो किस तरह से उनके फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अंतर आते गया है, उससे क्या फ़ायदा होते गया है, मतलब क्या फ़र्क आया है मेन, उस पर देखेंगे। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। BS1 में हमने देखा कि इनलाइन पंप आते थे और किसी किसी गाड़ियों में BS2 में भी इनलाइन पंप है और BS3 आने के बाद EDC पंप और रोटरी पंप भी चलता था, तो उसमें बस थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वो BS3 अचीव कर लेता था कोई कोई गाड़ियाँ। तो इसमें पंप के अंदर जो हमारा अंतर आया है, BS2 में हमने जब देखा तो रोटरी पंप या इनलाइन पंप था, लेकिन ज़्यादा चेंजेस 3 आने के बाद हुआ है। तो 3 में EDC पंप आ गया था और EDC पंप के साथ किसी किसी इंजेक्टर के अंदर ये नीडल मोमेंट सेंसर आता था और बाकी के, जैसे 4 सिलेंडर का है तो एक में ये नीडल मोमेंट सेंसर है और बाकी सब कॉमन है, सेम इसी के जैसे बिना वायर के। वो थे मैकेनिकल ही, बीट टाइमिंग पंप पे आती थी और पंप जो था EDC आ गया था। उसके बाद BS3 वाले में ही हमने देखा कि जो 24 वाल के इंजन आते थे क्यूमिंस के BS3 के, उसमें ये इस तरह का पंप तो रोटरी ही था, लेकिन इंजेक्टर में प्रेशर का सुधार हुआ, इंजेक्टर में क्वालिटी सुधरा जिससे पंप का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ और इंजेक्टर थोड़ा उसमें एक्यूरेसी आई। तो इस तरह से BS2 से BS3 में ये किसी किसी गाड़ियों में हमने देखा कि रोटरी पंप से ही BS3 अचीव कर ले रहा है, किसी किसी गाड़ियों में हमने देखा कि EDC पंप लगा के और इस तरह के इंजेक्टर का इस्तेमाल करके BS3 अचीव कर रहा है। लेकिन BS4 में आने के बाद लगभग सभी गाड़ियों में हमने देखा, सभी गाड़ियों में हाई प्रेशर पंप आ चुका था और उसके बाद 2016-17 के बाद से हाई प्रेशर पंप और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर आ चुका था। तो BS3 और BS4 इंजेक्टर में अंतर यह है कि ये प्रेशर तो इसका BS3 में था लगभग, लेकिन इसमें एक ही बार लाइव स्ट्रोक पे एक ही बार फ्यूल स्प्रे होता था और उसके बाद नहीं होता था। अगर पिस्टन जो है उसके कंप्रेशन स्ट्रोक जैसे पूरा करता था ऊपर जाके हवा को दबा के और सिलेंडर जैसे गर्म होता था ठीक उसी समय, ये सिर्फ एक बार एक ही समय में एक ही बार एक ही लाइव स्ट्रोक पे स्प्रे करके छोड़ देता था। लेकिन BS4 में आने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक नोजल आने से हमने देखा कि BS4 में ये मल्टी टाइम स्प्रे करने की क्षमता रखता है, करता मेन इंजेक्शन ही है जब BS4 में डीजल का प्रेशर रहता है अच्छा खासा, लेकिन ये स्प्रे तभी करेगा जब ECM से सिग्नल मिलेगा और हमारा पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक जैसे पूरा करता है ऊपर आता है ऐसे ही ये फ्यूल स्प्रे कर देता था, वो मेन स्प्रे बोलते हैं, मेन इंजेक्शन बोला जाता है। लेकिन इसमें एक खूबी और आ गई, इलेक्ट्रॉनिक होने से इसने अचीवमेंट ये किया कि ये कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान पायलट, मतलब कंप्रेसर स्ट्रोक पूरा होने से पहले फ्यूल स्प्रे कर सकता है, उसके बाद कंप्रेसर स्ट्रोक पूरा होने पर भी फ्यूल स्प्रे कर सकता है, उसके बाद आग लगने के बाद जब लाइव स्ट्रोक में जाएगा नीचे की तरफ, मतलब उसके बाद भी ये एक बार पोस्ट इंजेक्शन भी कर सकता है, मतलब ये कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले भी फ्यूल स्प्रे कर सकता है, कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने पर भी फ्यूल स्प्रे कर सकता है और पोस्ट फ्यूल इंजेक्शन भी कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे। इतनी क्षमता इसने अचीव कर लिया था। इसके साथ साथ BS4 में BS4 में हमने इस तरह के नोजल देखे क्यूमिंस गाड़ियों में, तो ये भी सेम है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ये 3 बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता रखता है, एक बार
पायलट इंजेक्शन, एक बार मेन इंजेक्शन, एक बार पोस्ट इंजेक्शन। तो BS4 में और BS3 में अंतर यह हुआ कि एक स्ट्रोक पे एक इंजेक्शन करता था BS3 वाला, उसकी जगह BS4 वाला एक स्ट्रोक पे तीन बार, मतलब एक लाइव स्ट्रोक पे तीन बार इंजेक्शन करने की क्षमता BS4 में अचीव हो गई थी। और सेम इंजेक्टर आएगा, थोड़ा सा उसके कॉइल में फ़र्क होगा, थोड़ा कॉइल अच्छी क्वालिटी का आएगा और डीजल का प्रेशर BS6 में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और ये पाँच बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता वाला अचीवमेंट यहाँ तक ऑटो हमारे इंडिया में ऑटोमोबाइल का जो इंजेक्शन करने के इंजेक्टर आते हैं वो अचीव हो चुका है BS6 में। वो पाँच बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता रखता है, दो बार स्ट्रोक कंप्रेसर स्ट्रोक पूरा होने से पहले पायलट इंजेक्शन, एक बार मेन इंजेक्शन और ज़रूरत पड़ने पे पोस्ट इंजेक्शन भी कर सकता है किसी अलग काम के लिए। तो BS4 से BS6 में ये अंतर आया कि BS4 वाला तीन बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता रखता है, उसकी जगह BS6 वाला पाँच बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता रखता है लेकिन हर बार करता नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर कर सकता है। तो हमने ओवरऑल देखा कि जो BS3 में क्यूमिंस और रोटरी पंप में एक ही बार फ्यूल स्प्रे होता था, और EDC पंप में ये जो इंजेक्टर आते थे वायर वाले या बिना वायर के, उसमें एक ही बार एक लाइव स्ट्रोक पे फ्यूल स्प्रे होता था, उसकी जगह हाई प्रेशर पंप आने से BS4 में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर आने से हम तीन बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता वाले इंजेक्टर आ चुके थे। उसके बाद BS6 में क्या हुआ कि पांच बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता रखने वाले इंजेक्टर आने लगे। तो BS3, BS4 और BS6 में फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर ये मेजर चेंजेस आए हैं और इनके माध्यम से प्रदूषण इसीलिए हम नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि इनको इसमें चेंजेस लाने की वजह से इनके फ्यूल के प्रेशर की क्षमता बढ़ी है, इनके स्प्रे करने की क्षमता बढ़ी है और मल्टी टाइम एक स्ट्रोक पे पहले एक बार फ्यूल स्प्रे होता था उसकी जगह अभी एक स्ट्रोक पे एक बार, ज़रूरत पड़े तो तीन बार BS4 में ज़रूरत पड़ने पे क्षमता रखता है और BS6 में ज़रूरत पड़ने पे पांच बार फ्यूल स्प्रे करने की क्षमता वाले इंजेक्टर आ चुके हैं, इसीलिए प्रदूषण को अच्छे तरीके से नियंत्रित किया जा सका है अभी तक। और ये हमारे BS1 के 16, 12, 12, 10 के इंजेक्टर हैं, ऐसे आते थे, और ये 16, 13 में ये भी मैकेनिकल इंजेक्टर ही है, और ये 16, 12 का 2003 में 2004 में इंजेक्टर आए थे, और ये 2005 वाले हैं, 5, 6, 7 में 6, 9, 7 इंजन वगैरह में आते थे। तो इस तरह से हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ऑटोमोबाइल्स में BS2, BS3, BS4 और BS6 आने पे इस तरह के चेंजेस आए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू।